यूपी ने कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया। एक दिन में करीब 24 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ। 5 करोड़ से ज्यादा डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। 5 अगस्त को अयोध्या दौरे पर आएंगे सीएम योगी। अन्न महोत्सव के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। प्रधानमंत्री मोदी ऑनलाइन करेंगे शुभारंभ। अब बदल सकता है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम। वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर रखने का प्रस्ताव। लोकसभा सांसद अनुराग शर्मा ने सरकार से मांगा था जवाब। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने की स्वतंत्र देव से मुलाकात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर ही हुई बैठक। ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मुलाकात पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान। कहा राजनीति में निजी रिश्ते भी होते हैं, ये मुलाकात निजी होगी। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने की जी यूपी उत्तराखंड से खास बातचीत। 17 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र के बारे में ली जानकारी। मुरादाबाद में मकानों के सामने पलायन के पोस्टर लगने से मचा हड़कंप। 81 परिवारों ने दी पलायन की धमकी। विशेष समुदाय के लोगों पर कॉलोनी से भगाने का लगा आरोप। सुल्तानपुर दौरे के आखिरी दिन सांसद मेनका गांधी ने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से की मुलाकात। ग्रामीणों को स्वरोजगार को लेकर दिए टिप्स। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी किसान संसद में पहुंचकर किसान आंदोलन को दिया समर्थन। कहा सपा से गठबंधन को लेकर बातचीत है जारी। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबियों पर हुई कार्रवाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी और साले की संपत्ति हुई कुर्क। प्रयागराज पहुंचे सपा नेता अबू आसिम। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सभी दलों को एक साथ आने को कहा। एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दिया बयान। कहा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए मैदान में लड़ेंगे। ओपी राजभर के बयान से पार्टी नहीं रखती इत्तेफाक। बाराबंकी के जसपंटा गांव में कांग्रेस ने मनाया दलित सम्मान दिवस। कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता हुए शामिल। रायबरेली में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक की बेटी को मिले 99.6% अंक। 3 विषयों में मिले 100 अंक। माता पिता और टीचर खुश। बागपत में जौहर पब्लिक स्कूल की छात्रा आनंदा जौहर ने सीबीएसई 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जनपद में किया टॉप। 99.5% अंकों के साथ मिली सफलता। कुशीनगर में पीजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आबद्ध किशोर सिंह ने सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में किया टॉप। 99.8% अंक किए हासिल। अंबेडकर नगर में जागृति उपाध्याय ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। 99.20% अंकों के साथ मिली सफलता। आजमगढ़ में सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में उज्ज्वल ने किया टॉप। उज्ज्वल को मिले 99.4% अंक। प्रयागराज में सीबीएसई की 10वीं के रिजल्ट आने पर छात्रों में खुशी का माहौल। रिजल्ट को बताया संतोषजनक। टीचर अभिभावकों भी हमें भी संतुष्टि नजर आई। भारतीय जनता युवा मोर्चा में हिस्ट्री शीटर अरविंद त्रिपाठी को प्रदेश मंत्री बनाए जाने के बाद मचा बवाल। त्रिपाठी के नाम पर कानपुर के काकादेव हत्या के केस दर्ज है। वाराणसी में रोज बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर। 80 घाट पर सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने नाव संचालन पर रोक लगा दी है। आगरा में डीएम और एसडीएम ने किया चंबल नदी का निरीक्षण। बरसात के कारण चंबल नदी पर बना हुआ है बाढ़ का खतरा। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। मुजफ्फरनगर में आरटीओ और सीओ सिटी ने चलाया बुलेट चेकिंग अभियान। मानक के अनुरूप नहीं मिलने वाली दर्जनों बुलेट मोटरसाइकिल को किया सीज। मैदान और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बढ़ा गंगा का जलस्तर। मिर्जापुर में बाढ़ को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा। 6 अगस्त को होने वाली बीएड की परीक्षा को लेकर अमरोहा प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी परीक्षा। अधिकारी कर रहे हैं परीक्षा सेंटर का निरीक्षण। आगरा में जनता की मदद के लिए पुलिस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। यातायात से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर पर की जा सकती है शिकायत। जौनपुर में जिला अधिकारी ने शराब की दुकानों पर दिए सीसीटीवी कैमरा लगाने के आदेश। दुकान के मालिकों को अवैध शराब को लेकर दी सख्त चेतावनी। सीतापुर में एक युवक के जहर खाने का मामला है सामने। युवक की इलाज के दौरान हुई मौत। मृतक की पत्नी ने दारोगा पर लगाया प्रताड़ना का आरोप। बुलंदशहर में बीजेपी के चेयरमैन विवेक वशिष्ठ पर टोल मैनेजर समेत स्टाफ को पीटने का लगा आरोप। घटना का वीडियो हो रहा वायरल। बसपा प्रमुख मायावती ने बहराइच में दलित प्रधान की हत्या मामले में योगी सरकार पर साधा निशाना। परिजनों को न्याय दिलाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। शामली में सोशल मीडिया पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह पर अभद्र टिप्पणी का मामला आया सामने। किसानों ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर की कार्रवाई की मांग। ललितपुर में बारिश के चलते गिरा मकान। हादसे में एक महिला की हुई मौत। पुलिस टीम ने शव को निकाला बाहर। आजमगढ़ में महिला की ईंट से कुचलकर की गई हत्या। पति पर ही लगा हत्या का आरोप। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश की शुरू। आजमगढ़ में पुलिस ने किया अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने का सामान हुआ बरामद। गौतम बुद्ध नगर की थाना जेवर पुलिस ने लोगों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से पीले धातु की ईंट और अन्य सामान हुआ बरामद।
मैनपुरी में करंट लगने से हुई पिता पुत्र की मौत, बिजली के तार पर तौलिया डालते समय हुआ हादसा, पिता को बचाने में बेटे की भी हुई मौत। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने कंपनियों में चोरी करने वाले 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, चोरों के कब्जे से चोरी किया हुआ सामान किया बरामद। बिजनौर के निजी अस्पताल में 2 लोगों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, मोबाइल और दवाइयों की हुई चोरी। बिजनौर में प्राचीन काली माता मंदिर से चोरी का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, दान पात्रों से पैसे और माता का मुकुट चुराकर फरार हुआ चोर, पुलिस ने शुरू की जांच। नोएडा में पुलिस ने 2 अंतर्राष्ट्रीय लुटेरों को किया गिरफ्तार, आरोपियों को कब्जे से लूटा हुआ सामान बरामद, गिरफ्तार आरोपियों पर कई मुकदमे हैं दर्ज। गाजियाबाद में 25,000 का इनामी हुआ गिरफ्तार, गैंगरेप के आरोप में चल रहा था फरार। कानपुर में बुजुर्गों की गला काटकर की गई हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। एटा में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार, अपने शौक को पूरा करने के लिए लूट की वारदात को देते थे अंजाम, कब्जे से लूटा हुआ सामान बरामद। कासगंज में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पर मारा छापा, मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, कई अवैध हथियार और सामान बरामद। सोनभद्र में पुलिस 2 ड्रग्स तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से लगभग 40 लाख रुपए की हीरोइन बरामद। सुल्तानपुर में बैंक फ्रेंचाइजी के कर्मचारी से हुई लूट, बाइक सवार बदमाशों ने लूटे लगभग 18,000 रुपए, पुलिस ने मामले में शुरू की जांच। शामली की कैराना पुलिस ने शादी करने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का किया खुलासा, 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कासगंज में पुलिस ने तालाब से कार को निकाला बाहर, गाड़ी से मिला कैश और सामान किया वापस, अचलपुर रोड स्थित नतरंजी खेड़ा पुल के पास की घटना। हरदोई में 8 साल की बच्चे की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया, मां के प्रेमी ने की बच्चे की हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सहारनपुर में पुलिस ने अपराधियों पर लगाई लगाम, जिले में 1 महीने में 250 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बुलंदशहर में खेत पर काम कर रही महिला के साथ हुआ दुष्कर्म का प्रयास, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। औरैया में पेयजल की समस्याओं को लेकर लोगों ने किया नगर पालिका का घेराव, अधिकारी ने 24 घंटे में समस्या के समाधान का दिया आश्वासन। मुजफ्फरनगर में साइबर सेल ने ठगी के शिकार लोगों को दिलाई राहत, कई मामलों में पीड़ितों को 6 लाख रुपए से अधिक वापस दिलाए।